नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, किसानों को मिल सकती है जल्द ही बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो है दुगनी हो सकती है। जी हां दोस्तों, इससे पहले जो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें मिलती थी, वो अब 4 हज़ार रुपये की होने वाली है। और कुल साल में जो आपको 6 हज़ार रुपये मिलते थे, वो अब जो है दोस्तों यानी कि डबल यानी कि 12 हज़ार रुपये आपको पर सालाना मिलने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल इस वीडियो में बिना स्किप किए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में हम आपके साथ पूरी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको बता दें, देश के लिए किसानों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार जल्द ही उन्हें एक तोहफा देने वाली है। केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने पर जो है केंद्र सरकार विचार कर रही है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इसका खुलासा किया है। अमरेंद्र सिंह ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, और इसी के दौरान उन्होंने जो है इससे बातचीत की। तो उन्होंने इस बातचीत के दौरान पाया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो दुगनी करने के प्रयास में सरकार जो है प्रयास कर रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र की एक बहुत ही पॉपुलर योजना है, जिस योजना की शुरुआत 2018 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी। अब तक जो है किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 9 किस्तें आ चुकी है, यानी कि कुल 9 किस्तों के माध्यम से कुल जो है 18 हज़ार रुपये आ चुके हैं। आपको इन 9 किस्तों में से कितनी किस्तें मिली है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार किसानों के खाते में हर साल जो 6 हज़ार रुपये 3 किस्तों के माध्यम से भेजती है। हाल ही में जो है 9 अगस्त को 9वीं किस्त का पैसा जारी हुआ है। 9.75 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 19,500 करोड़ रुपये जो है जमा किए गए हैं। अब दोस्तों, भारत सरकार कि इस स्कीम में 2022 तक किसानों की आय में वृद्धि होगी। कृषि मंत्री अमरेंद्र सिंह प्रताप ने कहा कि कृषकों की यानी कि किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। किसान सम्मान निधि योजना इस दिशा में एक बहुत ही सफल साबित होने वाली एक योजना साबित हुई है। अब तक जो है इस स्कीम में 1.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जो है किसानों के अकाउंट में भेजी जा चुकी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी राशि जो है कितनी बड़ी भारी मात्रा में राशि जो है किसानों के अकाउंट में भेजी जा चुकी है। आपको अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कितनी किस्तें मिली है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, सरकार का ये पहल ये कदम जो है आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो इसकी राशि जो है 6 हज़ार रुपये से डबल यानी कि कुल 12 हज़ार रुपये करने की जो सिफारिश जो यहाँ पर कर रही है, अगर आप इस बात से खुश हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।